Vardhman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhman Academy, Railway Road, Meerut. Inter college ke chhatron ke do guton mein chal raha vivad aaj ek dusre ki jaan lene ki koshish tak pahuncha. Metro Plaza ke paas bus mein sawar ek chhatr ne dusre par tamanche se fire kar diya. इससे गोली एक छात्र के हाथ को पार करती हुई दूसरे की जांघ में जा लगी। बस में फायरिंग की इस घटना से वहां सनसनी फैल गई। छात्रों को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बताया गया है कि फैजियाम में पढ़ने वाले उमर ने गुरुवार को क्लास में थूक दिया था। छात्र शादाब की इसे लेकर उमर से कहा सुनी हो गई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी थी। शनिवार को भी कहा सुनी हुई थी। रविवार को शादाब अपने साथी कासिम और खुर्शीद के साथ बस में जा रहा था। इसी बस में उमर और उसका साथी भी था। बस ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के मेट्रो प्लाजा के पास पहुंची तो दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि उमर के साथ वाले युवक ने चलती बस में ही शादाब पर गोली चला दी। शादाब के साथी कासिम निवासी सिवाल खास ने तमंचे को छीनने का प्रयास किया तो गोली उसके हाथ को छूते हुए खुर्शीद की जांघ में लग गई। इस बारे में घायल कासिम ने यह जानकारी दी। क्या नाम है आपका? कासिम। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या मामला? जो हमारे साथ का शादाब है, हम स्कूल में से पेपर दे आ रहे थे, उसकी लड़ाई हुई थी 7-8 दिन पहले। वैसी लड़ाई नहीं हुई थी, बस वैसी मुंहजोरी हुई थी। तो उन्होंने जुमरात के दिन घेर लिए थे सबको। तो हमें प्रिंसिपल से भी कही, हमने पुलिस वालों से भी कही, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई ना करी, कह लगे उनका हम खुद देख लेंगे। उन पर तमंचे, हमने कही उनसे कि उन्होंने तमंचे ले रखे, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई ना करी। तो हमें प्रिंसिपल साहब ने बस में बिठा के मैं भारती यूनिवर्सिटी पर उतरवा दिए। तो कल अब हम आ रहे थे बस के बीच बैठे, जैसे बस रुकी बागपत अड्डे पर जहाँ दुकान है बापा जी दाल वालों की, तो जैसे वहाँ रुकी तो शादाब के मार रहे थे, एकदम मैंने हाथ हटा दिया तो वो मेरा हाथ में लग के फिर सम्मन के जांग में लग गई गोली। कौन लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग करी है, क्या इस बात को लेकर के ये विवाद चल रहा है? 10वीं क्लास का लड़का है उमर, मेरठ के रहने वाला है नाम, और बाकी का पता नहीं। उन्होंने डांटे लगा रखे दो इंजनों ने। इस बात को लेकर के ये मेन विवाद चल रहा है, उनके शादाब के ऊपर थूकने के ऊपर लड़ाई हुई थी। अच्छा, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो? शाहजाम इंटर कॉलेज में पढ़ा। एग्जाम वालों से आपने शिकायत की, उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो आज कितने लोग थे जिन्होंने ये फायरिंग करी? मैंने 2-3 जने भागते हुए देखे बस। और जब जुमरात थर्सडे वाले दिन में सोई हो जाने, थर्सडे वाले दिन तो कौन लोग हैं जिन्होंने आज ये किया, कहाँ रहते हैं? उनका पता नहीं है कुछ। कितने लोगों के आज यहाँ पर गोली लगी? 2 लोगों के लगे, मेरा और संबंध। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने फर्स्ट बाइट को यह बताया। देखिए, आज दोपहर में थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मेट्रो प्लाजा, उसके सामने पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच के जांच की, पाया गया कि वहां पे 2 स्कूली छात्र हैं, उनके आपस में उनके बीच में कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद एक छात्र ने कुछ बच्चों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें 2 बच्चे घायल हुए हैं। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहाँ उनकी हालत अभी सेफ बताई जा रही है। और जो आरोपी है उसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है, और उसमें 2 टीमें लगाई गई हैं और उसे जल्दी गिरफ्तार किया गया। देखिए, ये क्लास 10th के छात्र हैं, और 2 दिन पहले ये इनका स्कूल का एग्जाम चल रहा है, और बता रहे हैं बच्चे की थूकने को लेकर विवाद थे इनका आपस में। 2 दिन पहले भी आप उनका किसी बात को कहा सुनी हुई थी, आज भी ये लोग एग्जाम देने आए थे। एग्जाम देने के बाद ये इनकी आपस में मारपीट हुई, और जिसमें एक बच्चे द्वारा जो नाबालिग बताया जा रहा है उसके द्वारा फायरिंग की। कितने राउंड फायरिंग हुई है इसकी अभी जानकारी की जा रही है। 2 बच्चे घायल हैं, उनके पैर में गोली लगी है, और जैसे मैंने बताया अभी कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ ये चलती है। देखिए, अभी इसके बारे में जानकारी की, जैसे गिरफ्तार किया जाएगा उसके बारे में जानकारी की जाएगी, तो सप्लाई कहाँ से हो रही है और कहाँ से तमंचा ला रहे हैं, गोलियाँ कहाँ से आ रही है। इससे पहले भी हमने कार्रवाई की थी, अभी रिसेंट में ही हमने लिसाड़ी गेट से अभी एक तमंचा फैक्ट्री पकड़ी थी, जिसका लिंक काफ़ी अलग घटनाओं में हुआ था। काफ़ी घटना इसमें खुली हुई थी जिनको इन्होंने सप्लाई किया था। इसमें भी हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज चेक करेंगे, कहाँ से कौन सप्लाई करता है, जो भी सप्लाई करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।